सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं द नाइट्रोजन साइकिल। मतलब नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो क्या है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो नाइट्रोजन गैस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। नाइट्रोजन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो। एनिमल और प्लांट दोनों की ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसकी, ठीक है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत असेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। तो आइए इसके बारे में अब हम शुरू कर देते हैं पूरी डिटेल कि ये कैसे होती है और ये कहाँ होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन खत्म हो जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो कि फ्री फ्री कंपाउंड बोलते हैं जिसको हम, वो फिक्स कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं नाइट्रोजन सबस्टेंस में, और ये फिर से नाइट्रोजन सबस्टेंस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होती है। तो ये साइकिल बन जाता है, ये होता रहता है प्रोसीजर कंटिन्यू 24x7 आवर। तो ये होता रहता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन सर्कल। तो आइए इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले आपको जानते हैं। देखिए, ये मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, राइट। ये नाइट्रोजन गैस है, तो इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन सब्सटेंस बनाने में काफी चीजें भूमिका निभाती है। देखिए, ये जो नाइट्रोजन गैस है, लाइटनिंग के थ्रू, लाइटनिंग मैंने आपको प्रोसीजर समझाया था, अभी नहीं हो तो आप पिछली वीडियो देख लेना। तो जो लाइटनिंग के थ्रू ये नाइट्रोजन सब्सटेंस में इसे चेंज कर देती है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन सबस्टेंस है ये ले लिए जाते हैं किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। ये प्लांट इसको ले लेता है, ठीक। इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू भी बन जाते हैं नाइट्रोजन सबस्टेंस। तो ये किसके द्वारा ले लिए जाते हैं? ये भी प्लांट के द्वारा ले लिए जाते हैं। तो प्लांट को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं, ये भी आपको बात पता है। एनिमल खाते हैं किसको? प्लांट को, और कुछ एनिमल्स को भी एनिमल खाते हैं, राइट। तो जब एनिमल ये डेड हो जाते हैं, जब ये एनिमल डेड हो जाते हैं तो इन्हें डिकम्पोजर खाते हैं, ठीक है। कौन खाते हैं? डिकम्पोजर, जो कि बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन्हीं से फिर से नाइट्रोजन सब्सटेंस बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जिनको हम डेंट्रीफाई कहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम डेंट्रीफाइंग बोलते हैं, वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन ना करके इसका रिवर्स कर देते हैं और ये नाइट्रोजन गैस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए इसको मैं अब ग्राफिकली आपको समझाता हूँ, ये तो मैंने आपको काफी कंफ्यूज कर दिया, और चलिए इसको मैं आपको तमीज से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, ठीक। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये गैस नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाएगी, नाइट्रोजन कंपाउंड में। और ये कैसे बदलेगी? इसको जो बदलने का प्रोसीजर है वो है बैक्टीरियाज के थ्रू, या लाइटनिंग के थ्रू, ठीक है, लाइटनिंग के थ्रू, या ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स को कौन खाता है? प्लांट्स को एनिमल्स खा लेता है, राइट। एनिमल, ये प्लांट भी मरते हैं और एनिमल्स भी मरते हैं। मरने के बाद ये जो इनके जो वेस्ट निकला या ये डेड हो जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया इनको चेंज करके फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे, सभी बैक्टीरिया ऐसे नहीं है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इनको चेंज ना करके, जिनको मैंने आपको बताया था डेंट्रीफाइंग, क्या बताया था आपको? डेंट्रीफाइंग, बैक्टीरिया इनको चेंज ना करके सीधे नाइट्रोजन गैस में दोबारा से इसको चेंज कर देते हैं, जो रिवर्स्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो इस तरह से आप देखिए ये एक सर्कुलर बन गया, ये जो पूरा सिस्टम है सर्कुलर है, ये दोबारा नाइट्रोजन लौट के आती है, फिर यूज्ड होती है, फिर से वो वापस नाइट्रोजन गैस बन जाती है। तो ये जो सर्किल है इसको हम बोलते हैं द नाइट्रोजन सर्किल, ठीक है। तो
तो आज हमने चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो आप हमें ज़रूर बताएं।